नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जिले के साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की जिसने अंगूठे का क्लोन तैयार कर करीब 150 से अधिक लोगों के बैंक के खाते से करीब 20 लाख रुपए उड़ा चुका है। इस जालसाज को गिरफ्तार करने के लिए आजमगढ़ पुलिस ने सुपर कॉप आईपीएस ऑफिसर त्रिवेणी सिंह की मदद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से लैपटॉप में चार्जर, फिंगरप्रिंट तैयार करने में प्रयुक्त केमिकल, बायोमेट्रिक स्कैनर, 200 से ज़्यादा तैयार किए गए फिंगरप्रिंट क्लोन, फिंगरप्रिंट पैड, बटर पेपर, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा 2 मोबाइल फोन सहित अन्य उपकरण बरामद किए गए। मैनाजपुर कस्बे में रहने वाले मोहम्मद गफ्फार खान ने 14 अप्रैल को परिक्षेत्र के साइबर क्राइम थाना रानी की सराय में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के खाते से अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा करीब 2 लाख रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई। साइबर क्राइम ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि यह कोई छोटा साइबर जालसाज नहीं बल्कि बड़ा जालसाज है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने लखनऊ में तैनात एवं जिले में पूर्व में तैनात रहे पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह जिन्हें साइबर अपराध को सुलझाने में महारत हासिल है उनसे मदद मांगी। सुपर कॉप त्रिवेणी सिंह की मदद से सारे तथ्य जुटाकर साइबर अपराध करने वाले अपराधी जहांगीर शेख उर्फ आदिल निवासी ग्राम सिहुका अबीरपुर थाना क्षेत्र में अनाजपुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए जालसाज से हुई पूछताछ में ये पता चला कि वो पहले ग्राहक सेवा केंद्र चलाता था। उसके पास एक साल पूर्व आए रावर्टगंज जनपद सोनभद्र निवासी अजीत सिंह नामक युवक ने फिंगरप्रिंट क्लोन तैयार करना सिखाया। इसके बाद जल्दी धनवान बनने की कोशिश में जहांगीर उर्फ आदिल साइबर अपराध में संलिप्त होकर लगभग 165 लोगों को अपना शिकार बनाते हुए करीब 20 लाख रुपए की जब्त की। इस मामले में पकड़े गए साइबर अपराधी से पूछताछ की जा रही है यह और कितने मामले में संलिप्त रहा है। साइबर क्राइम थाना जनपद आजमगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 4/22 419-420 आईपीसी 66C एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना के दौरान आईओ अनिल सिंह के द्वारा आहगीर शेख उर्फ आदिल जो कि जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक लैपटॉप, पॉलीमर केमिकल जिससे फिंगरप्रिंट तैयार किए जाते थे, बायोमेट्रिक स्कैनर, बने हुए फिंगर क्लोन 209, फिंगरप्रिंट पैड, बटर पेपर, कांच प्लेट पॉलीमर, 2 मोबाइल फ़ोन और आधार कार्ड व पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान इसने बताया है कि यह ग्राहक सेवा केंद्र एक साल पहले लगभग संचालित करता था। इसी दौरान इसने लोगों के फिंगर क्लोन करने सीखे और उसके माध्यम से ग्राहक सेवा केंद्र पर आए हुए लोगों का फिंगर क्लोन करके एईपीएस के माध्यम से लोगों के खातों से बिना उनकी जानकारी के धोखाधड़ी से ये पैसा ट्रांसफ़र कर लेता था। इसी घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसने पूछताछ में यह भी बताया कि इसके द्वारा लगभग 165 लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड किया गया था जिसमें 15 से 20 लाख रुपए के आसपास इसके द्वारा निकाले गए हैं। विस्तार से इससे साइबर टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जितने भी इस प्रकार के अपराधी हैं उन सभी को कानून की जद में लाते हुए कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।